हेलो बच्चों, एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस फिजिक्स के यूट्यूब चैनल YID फिजिक्स क्लासेस पे। तो हम लोगों ने दो क्लास कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज तीसरा लेक्चर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज का लेक्चर आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस लेक्चर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग जानते हैं कि क्या है। आज का टॉपिक हम लोग का मेथड्स ऑफ चार्जिंग और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दो चीज पढ़ेंगे हम लोग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बेसिक नॉलेज है, इसमें आपको फिजिक्स का काफी सारा नॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं कि ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आज का टॉपिक है हम लोग का मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये जो आपको लिखा हुआ है बोर्ड पे, जो हमने लिखा अभी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चार्जिंग क्या होता है, व्हाट इज चार्जिंग। ये वर्ड हम लोग के दैनिक जीवन में काफी ज्यादा बार, डेली लाइफ में जो भी आदमी होता है और मोस्टली इस टर्म से थोड़ा फैमिलियर होता ही है। चार्जिंग, व्हाट इज चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज इन अ बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। चार्जिंग किसी बॉडी को चार्ज करना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप जब अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज इन अ बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। चार्जिंग क्या है, एक मेथड है। ठीक है, द प्रोसेस एक प्रक्रिया है किसी बॉडी में चार्ज को इंड्यूस कराने का, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। तो चार्जिंग कितने तरीके से हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग का। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और दूसरा बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हम लोग का होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये तीन तरीके हैं जिससे हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। किसी बॉडी मतलब किसी ऑलमोस्टली अनचार्ज बॉडी को, या ऑलरेडी यदि कोई चार्ज है तो उसे और ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी बॉडी को चार्ज करना, किसी बॉडी को चार्ज करना, कोई अनचार्ज बॉडी है ठीक है, उसको चार्ज करना, इसको कहा जाता है चार्जिंग। और चार्जिंग का होता है तीन प्रोसेस जो कि हमने आपको लिखा। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये तीन टॉपिक होता है, तीनों के बारे जानेंगे। तीनों में बॉडी चार्ज होता है। तो सबसे पहले क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखना है सबको, तभी अच्छे से समझ पाइएगा व्हाट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए, इसके बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। एक अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है। जब दोनों बॉडी को हम लोग टच करा देते हैं, फिजिकल कॉन्टेक्ट करा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे से टच करा देते हैं, तो इस प्रोसेस से जो चार्जिंग होता है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। दो बॉडी को टच करा देना दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बस बॉडी को, एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, बस सामने ले जाते हैं, टच नहीं कराते, उस प्रोसेस से जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये जो तीसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये वर्ड आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। फ्रिक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है घर्षण। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी दोनों को कुछ इस तरीके से जब फ्रिक्शन कर देते हैं, रगड़ देते हैं, तो उस प्रोसेस से जो बॉडी चार्ज होता है देन दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो बच्चों तीन चीज हम लोगों ने पढ़ा, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, काफी आसान टॉपिक है। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बस बहुत ही आसान सा है। एक चार्ज बॉडी है ठीक है, और एक अनचार्ज बॉडी है, जब दोनों को टच करा देते हैं, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी दोनों को टच करा देते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। और एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, बस दोनों को सामने रखते हैं, टच नहीं कराना है ठीक है, तो देन दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। और एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों को एक दूसरे से रगड़ देना है, फ्रिक्शन कर देना है, देन दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो तीन चीज हमने पढ़ा,
चार्जिंग बाय कंडक्शन। मान लीजिए क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया आपके फाइनल एग्जाम में कि डिफाइन द सेवरल मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो लिखेंगे चार्जिंग का मतलब क्या होता है, सबको पता है किसी बॉडी को चार्ज करना, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। और ये जो हम लोग 3 प्रोसेस अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो मान लीजिए, ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, दोनों को टच करा देंगे तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, कंडक्शन। बस सामने रखेंगे, टच नहीं कराएंगे, देन दैट इज कॉल्ड क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और दोनों को रगड़ देंगे, देन दैट इज कॉल्ड क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो 3 प्रोसेस पढ़े बच्चों। लास्ट पर मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, कंडक्शन में क्या करना है, चार्ज और अनचार्ज दोनों को बस टच करा देना है, इसमें टच करेगा, इसमें टच नहीं करेगा, बस आमने सामने रखा हुआ रहेगा, और इसमें दोनों बॉडी को एक दूसरे से रगड़ देना है, ठीक है, फ्रिक्शन कर देना है, घर्षण कर देना है, तो देन दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इस तीनों टॉपिक का एक बार ब्रीफ स्टडी कर लेंगे। जहां टच होगा दैट इज कॉल्ड क्या, कंडक्शन, जहां टच नहीं होगा दैट इज कॉल्ड क्या, इंडक्शन, और जहां पर रगड़ेंगे, धर के रगड़ देंगे तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बचपन के दिनों में जब आप लोग स्कूल में अपने पेन को, ठीक है, अपने बालों में कुछ इस तरीके से करते थे, ठीक है, रब करते थे, और स्मॉल पेपर बिट्स मतलब कागज का छोटा छोटा टुकड़ा वो ऐसे करते थे तो उठ जाता था, ये एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एग्जांपल है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। आप जैसे क्या हुआ ना, पेन लेते थे हम लोग, ठीक है, पेन या पेंसिल से भी, ठीक है, बालों में कुछ इस तरीके से रगड़ देते थे, ठीक है, ऐसे रगड़ते थे और छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े रहते थे उसको टच कराने से वो उठ जाता था, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और अपने मोबाइल को जो आप चार्ज करते हैं, अपने मोबाइल को जब आप चार्ज करते हैं तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन, बिकॉज उसमें टच होता है, ठीक है। और इंडक्शन कुकर ये सब मौसम आपका जो एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। और मोबाइल जो हम लोग चार्ज करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये हम लोग का थीम था आज का टॉपिक, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हम लोगों ने पढ़ा जिसमें बॉडी टच करेगा कंडक्शन, जिसमें वो सामने सामने रखा रहेगा इंडक्शन, ठीक है, और जिसमें रगड़ देंगे दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो कि जैक बोर्ड के एग्जाम में ऑलमोस्टली आता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखिएगा, ऑलमोस्टली एक क्वेश्चन इससे आना तय रहता है, ठीक है। और वो अभी हम लोग आपको देखेंगे कि क्या है वो टॉपिक, वो टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो जनरली 4 प्रॉपर्टी है, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एक एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मैं आपको यहां से लिख देता हूं चारों, ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड योर फोर्थ वन इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो देखिए आज का टॉपिक है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इससे क्वेश्चन आना तय है ऑलमोस्टली, ऐसा देखा जाता है कि हर साल एक क्वेश्चन इससे आना तय है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी हमने लिखा है, मतलब चार्ज का क्या क्या गुण हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका नंबर 2 और नंबर 3 है जैक बोर्ड में, ऑलमोस्टली देखिएगा ये नंबर 2 और नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहां तक देखा गया ऑलमोस्टली हर बार ऑलमोस्टली यही दो में से एक टॉपिक से पूछता है, ठीक है, बाकी ये सब से भी पूछ सकता है, लेकिन उसमें से मैं बताना चाहता हूँ ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक आज का हम लोग का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इसको जानते हैं हम लोग, काफी ध्यान से आप सुनेंगे तभी सीखेंगे, वीडियो पूरा स्किप नहीं करना है, और यदि फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो इसके 2 लेक्चर आपके
पहले दिया हुआ है, और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का वीडियो प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, वहां आप जाके एक बार में पूरा देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। एक बार में पूरा, जितना भी पूरा यूनिट में था उस पूरे यूनिट को आप एक बार में वहां से देख सकते हैं, ठीक है। यदि चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। तो ये आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला है क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुण। चार्ज का क्या गुण होता है, मैं अंग्रेजी में बताना चाहूंगा इसका एक्सप्लेनेशन। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत बड़ा लाइन और सभी बच्चों को पता है, मेरे बताए बिना आप खुद भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब आप इस तरीके से कहेंगे जैसे हम लोग को बस दो तरह का चार्ज पता है, जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो यदि दो पॉजिटिव चार्ज होगा या दो नेगेटिव चार्ज होगा, इसको कहते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब एक ही जैसा। तो यदि दो को प्लस चार्ज होगा या दो को माइनस चार्ज होगा, तो इस केस में क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज मतलब या तो दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिपल्सन। और यदि उल्टा है, मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, और एक माइनस है और एक प्लस है, तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा अट्रैक्शन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं विकर्षण और आकर्षण, ठीक है। लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। यदि सेम नेचर का चार्ज होगा, मान लीजिए यदि दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो वहां पर आपका रिपल्सन होगा, ठीक है। या एक प्लस है और एक माइनस है, और एक माइनस और एक प्लस है, तो वैसे कंडीशन में आपका अट्रैक्शन होगा। एक बार और दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए, यदि लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, और यदि अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा। रिपल्सन मतलब विकर्षण और अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। तो लाइक चार्जेज, लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो वहां पर अट्रैक्शन होगा। तो ये था हम लोग का क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वालिटी क्या है, एक ही नेचर का होगा, दोनों सेम होगा तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट नेचर का होगा तो दोनों में आपका अट्रैक्शन होगा। तो दिस इज आवर क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। हम आशा करते हैं कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज सेम नेचर का रहेगा, मतलब या तो दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है, तो वहां पर रिपल्सन होगा। और यदि ऑपोजिट नेचर का है, एक प्लस एक माइनस और एक माइनस और एक प्लस, तो वहां पर आपका अट्रैक्शन होगा। तो दिस इज आवर क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइज्ड, क्वांटा, इस वर्ड को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये लो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसका स्टेटमेंट होता है कि द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है। कि द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, मतलब किसी बॉडी में टोटल कितना चार्ज है, ये क्या होगा, ये इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली दिखा सकते हैं। सो आप इधर देखिए, इसको हम लोग मैथमेटिकली दिखा सकते हैं। मान लीजिए किसी बॉडी में यदि टोटल चार्ज है q, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा
बेसिक चार्ज का, जहां पे बेसिक चार्ज है ई और एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक चार्ज का, ठीक है। और उस इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यहां पर हुआ कि एन का वैल्यू जब भी होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफिनिटी होगा। एन का वैल्यू कभी भी पॉइंट के फॉर्म में या कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में, मान लीजिए 6/8 कभी नहीं होगा, या मान लीजिए 10/3, ठीक है, या मान लीजिए 2/3, कुछ इस तरीके से कभी नहीं होगा। मतलब एन का वैल्यू जब भी होगा तो 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में ही होगा। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए लॉजिकल आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बता देते हैं, ठीक है, कि जितना भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, या तो 5, 10, 15, 20 करके मिलेगा, टुकड़ा में कभी नहीं मिलेगा, जैसे 10.5, 12.5, ठीक है, 5.25, ऐसे करके कभी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स तो 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 10 मिलेगा, 50 मिलेगा, 1,00,000 मिलेगा, लेकिन पॉइंट के फॉर्म में और फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज कभी भी नहीं मिलेगा। एक बात आपके नॉलेज के लिए भी बस बता देता हूँ, आगे जाके इस लॉ का वायलेशन मिला था, ठीक है, जब क्वार्क्स का खोज हुआ था तब, इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। बस अभी जानिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बस इतना ही मतलब जान लो कि जब भी मिलेगा ना तो टोटल मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स, कभी भी टुकड़ा के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल एक मिठाई का डब्बा है, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, मान लीजिए यदि 10 मिठाई है, सपोज कीजिए 10 मिठाई है, ठीक है, तो जितने भी मिठाई है सबके सब पूरे पूरे होने चाहिए, टूटा हुआ कोई भी नहीं होना चाहिए, और टूटा हुआ है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब यह हुआ कि द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, मतलब टोटल चार्ज जो होगा वो बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसका मतलब एन का वैल्यू यहाँ पर ऐसे हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1000 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, 50,000 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.02 इलेक्ट्रॉन ये संभव नहीं है। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जब भी होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आगे बढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको बताने से पहले आप जरा क्लास 9th का एक चैप्टर था आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, उसमें जरा याद कीजिए आप पढ़े थे, यदि जैक बोर्ड से होंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, एक बार आप उसको याद कीजिए, तब तक मैं इसको मिटा लेता हूँ। याद कीजिए व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो बच्चा बता पाएगा उसके लिए ये जो 3rd नंबर है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो कुछ भी नहीं है। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बिल्कुल उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, बस चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, यहां से वहां किया जा सकता है। देन व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे यूरेनियम 92-238 जब ये आपको टूटेगा, ठीक है, यहां पर आप थोरियम, ठीक है, थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना 90 और अल्फा पार्टिकल, देखिए
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर इमिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर इमिशन, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसका मतलब ये हुआ चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड आवर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा स्केलर और वेक्टर, हम आशा करते हैं जरूर नाम सुने होंगे, ठीक है। एक को बोलते हैं सदिश राशि और एक को बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है। स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि और वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि। तो आपको बता दें कि चार्ज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। देन व्हाट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज? तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज इसका मतलब ये होता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज है, यदि आपको ये जानना है तो सारा का सारा चार्ज को बस एडिशन कर देना है। किसी भी बॉडी के अंदर द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेज प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसको मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। व्हाट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है, ठीक है, देखिए कि किसी भी बॉडी के अंदर, ये मान लीजिए कोई भी बॉडी दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, ठीक है, और बहुत सारे चार्ज इधर उधर, मान लीजिए 2 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, +5 कूलम चार्ज है, +8 कूलम चार्ज है, ठीक है, -10 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो यदि ऐसे करके मान लीजिए चार्ज दिया हुआ है, ये किसी बॉडी के अंदर ऐसे चार्ज रखा हुआ है, यदि आपको इस बॉडी का नेट चार्ज निकालना है, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज निकालना है, कंप्लीट व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे चार्जेस को जोड़ देना है, कुछ इस तरीके से जोड़ देना है, जैसे 2 कूलम +8 कूलम +5 कूलम माइनस वाला अपना अलग, देखिए तो कुछ इस तरीके से 2 और 8 10 और 5 15 कूलम -13 कूलम, तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम 2 कूलम आंसर। व्हाट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज है, यदि आपको ये जानना है तो उस बॉडी के अंदर जितने चार्ज है सबको आप नॉर्मली एल्जेब्रिकली ऐसे ही जोड़ दीजिए, तो देन दैट इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। किसी भी बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज है यदि आपको ये जानना है, तो उसके लिए आप इस बॉडी के अंदर जितने भी चार्ज हैं सारे के सारे चार्जेज को एल्जेब्रिकली जोड़ दीजिए और स्केलर तरीके से जोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। और आज का बस और 2 टॉपिक है जो अभी हम लोग बात करेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो आइए बस थोड़ा सा और बचा हुआ है आज का। दो चीज हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्टली भली भांति पता होता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर? हिंदी में बात करिए इसको कहते हैं सुचालक, ठीक है, और इसको कहते हैं कुचालक। कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं? दोज मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड क्या? कंडक्टर्स। एंड दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। वैसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं दे आर कॉल्ड क्या? कंडक्टर्स। और जो पास होने नहीं देंगे दे आर कॉल्ड क्या? इंसुलेटर्स। जैसे कंडक्टर का आपका एग्जाम्पल हो सकता है आयरन, कॉपर, इवन इफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इंसुलेटर का एग्जाम्पल आपका प्लास्टिक, ड्राई वुड, ठीक है, ये सब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इंसुलेटर का, ठीक है, कभी कभी स्टोन भी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है? ऐसे मटेरियल
ठीक है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा वो सब क्या हो गया, कंडक्टर, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा दे आर कॉल्ड क्या, इंसुलेटर्स। जिधर से आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा ठीक है दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और जहां पास नहीं होगा दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो और आपको नॉलेज के लिए बता दो, सिल्वर, सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर, इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, तो एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं बच्चों, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, ऐसे मटेरियल्स जिससे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जो जिससे होके पास हो जाएगा, जिससे पास होगा वो कंडक्टर, और जिससे पास नहीं होगा दे आर कॉल्ड क्या, इंसुलेटर्स। सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। पिछला जो आपने, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था मास और चार्ज के बीच में, काफी सारे उसमें कमेंट आए बच्चों के, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आप हर वीडियो में कमेंट करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा ठीक है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर जितना ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डे का मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके आगे के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कूलॉम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम लोग का नेक्स्ट डे का टॉपिक रहेगा, कूलॉम्स लॉ। तो आज का वीडियो यहीं तक था, सभी बच्चे इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, और यदि इसमें कहीं भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय।